जय विदर्भ पार्टी ने प्रीपेड मीटर के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए नागपुर के काटोल नगर रोड पर विद्युत भवन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर पर काली स्याही लगाकर चंद्रशेखर बावनकुले के काफिले को रोका। इस समय कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। जनता को विश्वास में लिए बिना महावितरण ने बिजली स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया। जब लोगों को यह नहीं पता कि केंद्र सरकार ने ये योजना क्यों लाई है, इस योजना का स्वरूप क्या है, 2000 रुपए के स्मार्ट मीटर पर 60% भार केंद्र सरकार और 40% भार राज्य सरकार वहन करेगी, इसकी वसूली जनता से कैसे होगी, इस पर अभी भी सवाल या निशान बना हुआ है। विदर्भ के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बिजली के प्रीपेड मीटर सामर्थ्य में नहीं है। वर्तमान स्थिति में बिजली उपयोग के बाद बिजली बिल आता है और बिल आने के बाद बिजली बिल भुगतान के लिए कम से कम 21 से 90 दिन से अधिक का समय लगता है, लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले से ही रिचार्ज कराना पड़ता है। बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, दूर दराज के इलाकों में उन्हें नहीं पता कि स्मार्टफोन क्या है और रिचार्ज क्या होता है। जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ समय पर रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे ग्राहकों को बार बार लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कई समस्याएं प्रीपेड मीटर लगाने से निर्माण हो सकती है और इसी श्रृंखला में जय विदर्भ पार्टी के लगातार आंदोलन के कारण ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पार्टी विधानसभा सदस्यों की एक बैठक में कहा कि 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी व्यवसायिक ग्राहकों और उद्योगों में स्मार्ट मीटर बदल दिए जाएंगे। यह बिल्कुल विरोधाभासी है और यह सरकार का निर्णय नहीं है, इसलिए जब तक बिजली मंत्री विधानमंडल में घोषणा नहीं करते कि स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जा रही है और सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी, ऐसी जानकारी आंदोलन के दौरान दी गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैनर पर स्याही लगाई गई। इस दौरान उसी रास्ते से पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का काफिला गुजर रहा था और इस काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका, जिसके बाद बावनकुले ने अपना काफिला रोककर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन स्वीकार किया, जिसके बाद पत्रकारों से संवाद साधा। विदर्भ आणि खास करून माननीय अरुण केदार जी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी आंदोलन केलं। मी रस्त्याने जाता आता मला हे आंदोलन दिसलं म्हणून मी थांबलो, त्यांचं निवेदन घेतलं आणि परवापर्यंत या विषयाची जी अपग्रेड आहे ते सांगितलं की माननीय देवेंद्रजींना जेव्हा आम्ही या स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर घरगुती ग्राहकाला लावू नका, कॉमर्शियलला लावू नका, जोपर्यंत जनतेच्या मनात संभ्रम आहे, जनता याकरता संभ्रमित झाली आहे की जेव्हा प्रीपेड मीटर लागलं आणि समजा 300 रुपये भरले मोबाईल सारखे, 300 रुपयाचं युनिट संपलं का लाईन बंद, वीज बंद, हा जो एक भीती निर्माण झाली आहे, या भीतीच्या माध्यमातून माननीय देवेंद्रजींनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे ते मी यांना सांगितलं आहे की जोपर्यंत जनतेच्या मनातला संभ्रम, जनता जोपर्यंत समाधानी होत नाही तोपर्यंत असा कुठलाही निर्णय होणार नाही, त्यांनी मला स्वतः बोलले आहे आणि मी आश्वस्त करतो माननीय देवेंद्रजीकडनं की घरगुती ग्राहकांना आणि आता कॉमर्शियल ग्राहकांना कुठलंही स्मार्ट मीटर लागणार नाही आहे, फक्त इंडस्ट्रीयल ग्राहक जे मोठ्या उद्योग आहेत, कंपन्या आहेत, जिथे लॉसेस आहे मोठ्या प्रमाणावर, त्या ठिकाणी मला वाटतं स्मार्ट मीटर लागणार आहे आणि त्या तोपर्यंत घरगुती ग्राहकाकरता निर्णय नाही। जे आंदोलन केलं त्यांचं मी आंदोलन स्वीकार निवेदन स्वीकारलं आहे, उद्या मी सरकारकडे पुन्हा एकदा बोलेल। नाही, सरकार एकदा विधिमंडळात वगैरे ह्या चर्चा निघणार आहे, विधिमंडळात ती चर्चा उपलब्ध होत उपस्थित होणार आहे, त्यावेळी माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर देतील। मी जय विदर्भ। विधिमंडल में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और राज्य के ऊर्जा मंत्री जवाब देंगे। साथ ही बावनकुले बोले कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्राहकों को स्मार्ट मीटर लगवाना पड़ेगा। आज जो है यहाँ पर प्रीपेड मीटर के विरोध में जय विदर्भ पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन किया गया है और जो ऊर्जा मंत्री है राज्य के देवेंद्र फडणवीस, इनके जो पोस्टर पे बैनर पे जो है काली पोती गई है, शाही लगाई गई है, क्या बताओगे? आज जो है आंदोलन किया गया है, हमने देखा कि यहाँ पर काली भी पोती गई है उनके पोस्टर पर, क्या बताओ? मैं अहमद कादर, केंद्रीय महासचिव नाग विदर्भ आंदोलन समिति। ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, ऑलरेडी इसके पहले दो बार मीटर बदल दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर के विरोध में ये आंदोलन है। इसका कारण ये है
कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है ये कानून गरीबों को, आम जो जनता है, मिडिल क्लास है, इनको वो इस तरीके से नुकसान पहुंचने वाला है कि जैसा पहले क्या होता था कि बिल के माध्यम से पैसा भरता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो है ये मोबाइल की तरह, जितना रिचार्ज होगा वो रात में 12 बजे भी बिजली बंद हो सकती है, 2 बजे भी, कोई बीमार है, मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल भी जहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया, वो तो बहुत ये मतलब बेकार कानून है। और पहले जो था क्या ऐसा होता था, ख़ास तौर पर गरीब बिल भरने की जो परेशानी है वो गरीबों को ही होती है, तो पहले जो था कि गरीब अगर बिल आता था तो काटने वाला आता था तो हाथ पैर जोड़ के उसको रोक लेता था, 2-4-8-15 दिन उसका टाइम निकल जाता था, या ये होता था कि 10,000 का बिल है तो वो ये बोलता था कि भाई 5,000 ले लो, 5,000 बाद में दे देते थे, तो इस तरीके से उसका महीने दो महीना उसको सहूलत मिल जाती थी। अभी ये चांसेस तो पूरे ख़त्म हो गए, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होना। तो मेरा ख़ासतौर पर अदानी अंबानी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं है, ये अदानी अंबानी सरकार से विनती है कि ये जो तुगलकी कानून है ये आप लागू करने की बात तो बहुत दूर की गई, आपको लागू करने नहीं देंगे हम लोग। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आंदोलन जय विदर्भ पार्टी लगातार कर रही है तो ये क्या प्रीपेड मीटर लगाना रद्द हो जाएगा? करना ही पड़ेगा, और जब तक ये रद्द नहीं होता ये आंदोलन, और अभी आम विदर्भ आम नागरिक मंच की ओर से 2 तारीख को एक बड़ी, यानी आंदोलन तो चल ही रहे हैं लेकिन एक बड़ा मोमेंट 2 जुलाई को रिजर्व बैंक चौक पर 12 बजे से शुरू होने वाला है। इसमें हमने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है, जो जो इसके विरोध में, इसमें कांग्रेस के लोग भी आने वाले हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी आने वाले हैं, शिवसेना के भी लोग आने वाले हैं और बाकी रिपब्लिकन गढ़ के भी आने वाले हैं। तो एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत 2 जुलाई से होने वाली है विदर्भ राज्य विदर्भ आम नागरिक मंच की ओर से। लगता है अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या कदम रहे? ये मांग पूरी होने तक आंदोलन यानी तीव्र करेंगे, इसको बहुत उग्र आंदोलन होगा, और सिर्फ विदर्भ में नहीं, ये जो 2 जुलाई की जो तैयारी है 2 जुलाई से ये पूरे विदर्भ के हर जिलों में करेंगे। हमने देखा कि प्रीपेड मीटर जो है रद्द करवाने की मांग को लेकर जय विदर्भ पार्टी दिन ब दिन आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं, और आज भी उन्होंने आंदोलन के जरिए यहां पर ऊर्जा मंत्री के पोस्टर को जो है शाही लगाई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।